मुक्ति मतलब आप मुक्ति को क्या समझते हो? मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि आप क्या समझते हो? मतलब मृत्यु, शरीर की मृत्यु, शरीर की मृत्यु, बाकी तो उसको मुक्ति कहते हैं। तो राम को मुक्ति थी, कृष्ण को मुक्ति थी, तो वो मर गए। मुक्ति का अर्थ है शरीर मर गया ना, अहंकार की मृत्यु। आप जान लो कि मैं हूं ही नहीं, आपके लिए मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मेरे लिए कोई गुण नहीं है, निर्गुण है, मैं बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं और वाणी भी मैं हूं, उसी को मुक्ति कहते हैं, जहां मैं नहीं रहता। जब पता चल जाए कि मैं हूं नहीं, वो शरीर की मृत्यु नहीं है। जब पता चल जाए कि सब कुछ सपना चल रहा है, ये जो अभी आप देख रहे हैं सब कुछ एक स्वप्न है, जब पता चल जाए कि कुछ भी नहीं है, उसको मुक्ति कहते हैं। पर क्योंकि शास्त्र के अर्थ के अनर्थ हो गए हैं, इस वजह से हमको लगता है मुक्ति मतलब देह छूट जाना मतलब मुक्ति हो गई। नहीं, वो टी शर्ट आपकी है, वो आप हो, नहीं हो, तो मतलब जो आपका है वो आप नहीं हो सकते। जिसको आप साक्षी बन सकते हो, जिसकी आप साक्षी कर सकते हो कि जिसको आप साक्षी बन सकते हो, वो आप नहीं हो। बराबर है? जो आप देख सकते हो, जो आपका है, जिसके आप साक्षी बन सकते हो, वो आप नहीं हो। ठीक है? आत्मा को आप देख सकते हो, आत्मा के आप साक्षी बन सकते हो, तो आप आत्मा हो। जो आपका है वो आप नहीं हो। तो ये आप नहीं कह सकते कि ये मेरी आत्मा है। मम आत्मा सर्वभूत आत्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मदनाथ श्री जगन्नाथ, मद गुरु श्री जगत गुरु, मम आत्मा सर्वभूत आत्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब ये पता चलता है कि ये महात्मा गांधी है, ये दुरात्मा है, ये नीची जाति है, ये ऊंची जाति है, ये निर्जीव है, ये जीव है, लेकिन जब ये बोध हो जाए कि आत्मा ना तेरी है ना मेरी है, हम सब आत्मा है, कण कण और मेरे और आपके बीच में जो खाली जगह है वो भी आत्मा है, उसको मुक्ति कहते हैं। तो फिर मैं कौन, मेरे संस्कार क्या, मेरे कर्म क्या? जब मैं हुई नहीं तो मेरे कर्मों से भी मेरी मुक्ति हो गई, मेरे संस्कार से, मेरे स्वभाव से भी मेरी मुक्ति हो गई। फिर ये शरीर है, ये मन है, ये शरीर और मन का स्वभाव है, उस हिसाब से ये शरीर रोबोट जैसे काम करता है वैसे काम कर रहा है। यहां पे आया है, आपको मां देने आया है, लेकिन आपके लिए मैं आया हूं, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, उसी को मुक्ति कहते हैं। यहां पे अभी 50 के ऊपर लोग हो गए, उन सबको लग रहा है कि 50 के ऊपर लोग है, ये सुखी है, ये दुखी है, ये स्वस्थ है, ये रोगी है, ये धनी है, ये दरिद्र है, ये ज्ञानी है, ये मूर्ख है। लेकिन अगर इसी जगह पे 50 से अधिक रोबोट बिठा दिए जाए तो उनको लगेगा कि ये है, ये है, उनको पता होगा कि हम सब रोबोट है, हम सब मशीन है। तो ये मशीन है और कुछ भी नहीं, और जो आत्मा है वही परमात्मा है, और परमात्मा 50 नहीं है और एक भी नहीं है, वो अद्वैत है, जो दो नहीं है वो परमात्मा है। उसको एक कहना भी मूर्ता है, मूर्खता है। मोहम्मद, हजरत मोहम्मद ने भी एक नहीं किया, कहा है या इला इल्लल्लाह, बहुत सारे अल्लाह नहीं है पर अल्लाह है, एक अल्लाह है, ऐसा नहीं कहा है। हमारे उपनिषद ने भी नहीं कहा है कि एक ब्रह्म है, एक परमात्मा है, अद्वैतम, जो दो नहीं है वो। तो जो जान लेता है कि दो नजर आने के बावजूद हम सब एक है, मैं ही बोल रहा हूं, मैं ही सुन रहा हूं, शब्द भी मैं हूं, उसी को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति जन्म मृत्यु से नहीं है, मुक्ति अज्ञान से नहीं है, मुक्ति स्वयं से है। तो मैं ये कहूं कि मुझे मुक्ति मिली या इनको मिली या इनको मिली या इनको मिली, इनको मिली, इन सबको मुक्ति प्राप्त हुई है, तो उनको मुक्ति नहीं मिली है, अपने आप से जब मैं रवाना हो गया तब मुक्ति आई। जैसे कबीर जी कहते हैं कि जब मैं तुझे खोजता था तू नहीं था, मैं था, जब तू मिला तब मैं नहीं। तो जब हम जंगल में जाते हैं शेर को मिलने, तब हमारा मांस, हमारी हड्डी, हमारा रक्त सब शेर बन जाता है। कैसे? शेर हमको खा जाता है, तब हम शेर बन जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सिंह इज किंग, तभी हम शेर बन गए। उसके पहले तो सरनेम है सिंह, और कुछ नहीं है, पंजाब और राजस्थान की सरनेम सिंह फेमस। वैसे ही जब हम ईश्वर को मिलने जाते हैं, ईश्वर तो शेर से भी क्रूर है, कभी शेर से बच जाओ आप बंदूक हो हाथ में तो, लेकिन ईश्वर से बच नहीं पाओगे। जब आते हो वापस तब कहते हो अहम ब्रह्मा समी शिवो हम, जब मैं ही ईश्वर बन गया, जब ईश्वर मुझे खा गया, जब मैं रहा ही नहीं, उसको मुक्ति कहते हैं। जब ये कहने की हिम्मत हो जाए कि अहम ब्रह्मास्मि, जब ये कहने की हिम्मत हो जाए कि शिवो हम, वही मुक्ति है। मुक्ति अपने आप से, जो मूर्ता थी वो मैं था, हितेश था, उससे छुटकारा हुआ, उसी को मुक्ति कहते हैं।